नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें कुछ मिनरल्स से रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कोबाल्ट भंडारण में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है कोबाल्ट रिजर्व्स का, ठीक। तो प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे रिजर्व की बात होगी, तो बी ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। उड़ीसा, झारखंड, फिर नागालैंड। अगला देखिए कि कॉपर अयस्क के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है। तो कॉपर ओर के प्रोडक्शन में अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं स्टेट्स का, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तो यहाँ से डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। अब यहाँ पे कॉपर अयस्क के भंडारण में राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है, ठीक है। तो रिजर्व्स की अगर हम बात करें कॉपर ओर की, तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कॉपर अयस्क के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे है, ठीक है। तो अगर हम कंट्री वाइज देखेंगे तो फर्स्ट रैंक जो इसमें है कॉपर ओर के प्रोडक्शन में ये है चिली का, ठीक। ये आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बताना है आपको कि कॉपर अयस्क के भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पर है, ठीक। तो अब इसमें रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे भी चिली का स्थान ही आएगा, तो डी ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। अगला देखें कि क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है, ठीक। तो एक फैक्ट आप यहाँ से कवर कर लीजिए। और अब भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पर ये बताना है हमें, ठीक है। तो रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो ये वेनेजुएला हो जाएगा, और प्रोडक्शन वाइज है ना जो फर्स्ट कंट्री है इन द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, तो ये अमेरिका है, तो यहाँ से फिलहाल सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए कि हीरा के उत्पादन और भंडारण दोनों में कौन सा देश पहले स्थान पर है, ठीक है। तो डायमंड यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो प्रोडक्शन और रिजर्व्स है ना, इन दोनों में रशिया का नंबर आएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। अब डोलोमाइट के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें डोलोमाइट का, तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक। गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटका। अब डोलोमाइट के भंडारण में राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है, ठीक। तो रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। अब चूंकि कुछ अनयूजुअल कंडीशंस की वजह से यहाँ पे रिजर्व तो हैं बट उसके कह लीजिए प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से स्टेट्स जो है वेरी करते हैं आपस में प्रोडक्शन एज वेल एज रिजर्व के अंदर। अगला देखें कि डूनाइट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक है। तो डूनाइट मिनरल की हम बात करेंगे तो इसमें कर्नाटक हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ठीक। अब देखिए ये सब क्वेश्चंस या फिर जितने भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एज अ फैक्ट प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमको बताना है कि डूनाइट के भंडारण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए कि सोने के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, ठीक। तो भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पे है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है इसमें सबसे लीडिंग कंट्री है चाइना, और अगर रिजर्व्स की हम बात करेंगे तो लीडिंग कंट्री है इसमें ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेता है। फिर है कि सोने के उत्पादन और भंडारण दोनों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो रिजर्व्स और प्रोडक्शन, ठीक, यहाँ पे दोनों के मामले में जो सबसे फर्स्ट प्लेस है हमारा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखिए कि जो नेचुरल ग्रेफाइट है तो इसके उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर गोल्ड भी देखा था, तो अब यहाँ पे ग्रेफाइट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन में जो फर्स्ट प्लेस है चाइना है, ठीक। अब भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो ये हमारा जो हो जाएगा टर्की, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे।
अब नेचुरल ग्रेफाइट के उत्पादन में हमें भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम चुनना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोडक्शन वाइज जो हो जाए ग्रेफाइट नेचुरल के लिए ओडिशा, फिर झारखंड और केरल, तो ये ए ऑप्शन हम यहाँ से चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ग्रेफाइट प्राकृतिक के भंडारण के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का सही अवरोही क्रम हमको चुनना है, ठीक। तो रिजर्व्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ओडिशा, तो यहाँ से डी को चुन लेते हैं। अगला देखिए, जिप्सम के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, ठीक। तो यहाँ पे जिप्सम के लिए है हमारा गुजरात, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे कि जिप्सम के उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम के लिए, तो फर्स्ट प्लेस हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। तो यहाँ से डी को चूज़ कर लेते हैं। अगला देखें कि लाइमस्टोन के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है, ठीक। तो अगर चूना पत्थर के हम प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, है ना, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, तो ये मिल रहा है हमको डी ऑप्शन के अंदर। फिर है कि लाइमस्टोन के भंडारण में यानी कि रिजर्व्स में कौन सा स्टेट हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक। नेक्स्ट है मैंगनीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पे है, अब भारत की रैंकिंग इसमें बतानी है हमको, तो ये हो जाएगा सेवेंथ, ठीक। अगला देखें कि मैंगनीज के भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पर है, ठीक। तो रिजर्व्स में मैंगनीज के जो है ये भी साउथ अफ्रीका ही है, प्रोडक्शन में भी यहाँ ऊपर हमने देखा फर्स्ट प्लेस पे था, बी ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अगला देखें कि लेड के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, और भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पर है ये बताना है हमको, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व्स के मामले में जो फर्स्ट प्लेस है अब वो ऑस्ट्रेलिया की है, प्रोडक्शन में लेड के चीन है, तो यहाँ से सी को चूज कर लेंगे। अब देखें कि लेड के भंडारण में राज्यों का सही क्रम हमको बताना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, तो यहाँ से इसको चूज करेंगे सी ऑप्शन। लिग्नाइट के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, अब भारत की रैंक इसमें बतानी है, ठीक। तो ये ध्यान रखिए कि जो चीन है लिग्नाइट के उत्पादन में फर्स्ट है, और उत्पादन के मामले में भारत इसमें सेकंड प्लेस पे है, ठीक। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, लिग्नाइट के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है हमको, ठीक। तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु, फिर गुजरात और राजस्थान। अगला देखें, लिग्नाइट के भंडारण में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, ठीक। तो यहाँ पे रिजर्व्स हमको देखना है, तो रिजर्व्स के ऑप्शन में तमिलनाडु है, फिर राजस्थान और गुजरात, तो यहाँ से ए ऑप्शन हमको ऐसा मिल रहा है, इसको चूज करेंगे। नेक्स्ट है अदरक के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है, यानी कि मैका प्रोडक्शन में हमको फर्स्ट रैंक बतानी है कौन सी कंट्री का है, तो यहाँ पे हमारे इसका उत्तर हो जाएगा चाइना, यानी कि डी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखना है कि अदरक के उत्पादन और भंडारण दोनों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक। तो भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो ये स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में देशों का सही अवरोही क्रम बताना है हमको, ठीक है। तो नेचुरल गैस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो सबसे जो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यूएसए, फिर रशिया, फिर ईरान, है ना। अब नेचुरल गैस के रिजर्व्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर निकल के आएगा रिजर्व्स के उसमें, तो ये है आपका पहले रशिया हो जाएगा, फिर ईरान और यहाँ पे कतर, है ना, तो बी ऑप्शन को चूज करेंगे हम इसमें। अगला देखिए कि प्राकृतिक गैस के भंडारण में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है, तो यहाँ पे हम रिजर्व्स की बात करें भारत में, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, ठीक, आसाम, उसके बाद आंध्र प्रदेश और ये राजस्थान, है ना, तो सी को चूज कर लेते हैं। अब देखिए कि निकल के उत्पादन और भंडारण दोनों में कौन सा देश पहले स्थान पे है, ठीक। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और रिजर्व्स दोनों में निकिल जो फर्स्ट प्लेस है ये इंडोनेशिया का हो जाएगा, ऑप्शन सी। निकिल के भंडारण में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है हमको, तो रिजर्व्स निकिल इंडिया में हम देखते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड, ठीक।
तो ये हमें बी ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। अगला देखें कि प्लैटिनम के उत्पादन में और भंडारण में दोनों में कौन सा देश पहले स्थान पर है। ठीक, तो यहाँ पे प्लैटिनम रिजर्व्स और प्रोडक्शन इन दोनों में लीडिंग है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वार्ट्ज के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है। ठीक, तो प्रोडक्शन की बात है क्वार्ट्ज के, तो इसमें हो जाएगा तेलंगाना, फिर गुजरात और कर्नाटका, है ना। तो डी ऑप्शन को चूज करते हैं। अगला देखिए कि रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में भारत की रैंकिंग बतानी है हमको। तो प्रोडक्शन की बात हो रही है रॉक फॉस्फेट की, तो ये हो जाएगा 16th। अगला देखें कि रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है। ठीक, अब भंडारण में कौन सा राज्य है तो ये बताना है हमको। तो प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा है राजस्थान में और रिजर्व्स हैं हमारे झारखंड के अंदर, है ना। तो डी को चूज़ करेंगे। अगला देखें कि चांदी के उत्पादन में मैक्सिको पहले स्थान पे है, भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पे है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार वैसे भी पूछा गया है। तो चांदी में यहाँ मैक्सिको हमारे फर्स्ट प्लेस पे आता है और जो रिजर्व्स हैं ये पेरू में सबसे ज़्यादा है। तो डी ऑप्शन को चूज़ करते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखिए कि स्टील के उत्पादन में कौन सा देश जो है वो पहले स्थान पे है। ठीक, तो स्टील में हो जाएगा हमारा इसमें चाइना, है ना। प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर टिन की उत्पादन और भंडारण दोनों में कौन सा देश पहले स्थान पे है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट रैंकिंग कंट्री है चाइना हो जाएगी। ठीक, तो बी ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। अगला देखें कि टिन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पे है, अब भंडारण में कौन सा राज्य जो पहले स्थान पे है ये बताना है। ठीक है, तो रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हरियाणा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखिए कि टंगस्टन के उत्पादन और भंडारण दोनों में कौन सा देश पहले स्थान पे है। ठीक है, तो कंट्री वाइज देखेंगे प्रोडक्शन और रिजर्व्स का, है ना, टंगस्टन के लिए। तो ये है यहाँ पे चाइना ही इसमें भी लीड कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टंगस्टन के भंडारण में राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है। ठीक, तो ये बात हो रही है यहाँ पे रिजर्व्स की, तो इसमें हम चूज करेंगे सी वाला, है ना, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है जिंक के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पे है। तो प्रोडक्शन में क्या है चाइना, है ना, जिंक का। और यहाँ पे अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑप्शन सी। अगला देखिए कि जिंक के भंडारण में राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ भारत में अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। तो ये है हमारा जिंक का रिजर्व्स, है ना। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान कितने प्रतिशत है लगभग। ठीक, तो न्यूक्लियर जो हमारी पावर इसमें प्रोडक्शन हो रही है तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5% के बीच में है। तो यहाँ से हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला देखिए अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है अभी हाल ही में। अब इसकी लंबाई आपसे पूछ रहे हैं ये कितनी है। ठीक, तो अटल टनल बेसिकली वही है जो इसका यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ था 2020 में। ठीक, जो ये हिमालयन रेंजेस में हमारी पीर पांजाल की रेंज है उसमें रोहतांग पास के अंडर इसको बनाया गया है, जो लेह मनाली वाला हाईवे है ना, वहाँ पर इसको कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो इसकी टोटल लंबाई है 9.2 किलोमीटर। ठीक, तो सी को चूज करेंगे हम यहाँ से। अगला देखें कि 4 फरवरी 2022 चौरी चौरा इंसिडेंट के कितने साल पूरे हुए हैं। ठीक है, तो चौरी चौरा जो हमारी घटना हुई थी 1922 में, और इसकी डेट यहाँ पे पूछते हैं 4 फरवरी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो जिसके अंतर्गत यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे लोगों के ऊपर जो है यहाँ पे वार किए गए। तो अगर हम इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो अब इसके 100 साल जो हैं वो पूरे हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन में सी हमारा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें गणतंत्र दिवस 2022 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की झांकी के रूप में चुना गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा अलग अलग जो झांकियाँ निकाली गई गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पे, है ना, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक, इन दोनों को बेस्ट मिनिस्ट्री टैबलू के रूप में चुना गया है। तो
तो सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे हम यहाँ से। अगला देखें कि गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस अगर हम देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी निकाली गई थी, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो है थीम एक तरीके से लगाया गया था, और जो काशी विश्वनाथ के मंदिर है ना, काशी विश्वनाथ धाम है ना, ये दो थीम्स थी इसमें कुल मिला के, तो इसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसको प्रथम स्थान दिया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला छत्तीसगढ़ जो है कौन सा राज्य बना है। ठीक, तो इसमें जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है हमारी, तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट हुई है, और ये 35वां ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित को मिला के प्रदेशों को मिला के इसका रैंक है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसके मतलब छत्तीसगढ़ के इंक्लूजन के साथ साथ ऑलमोस्ट जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत जितनी भी लगभग 77 करोड़ पॉपुलेशन कवर होती है, तो इसका जो है लगभग इसमें 96.8% के आसपास पॉपुलेशन अब कवर हो गई है ना, ये जो हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है। अगला देखें, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे यहाँ पे मनाया गया है 2 फरवरी को, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, और इसकी जो थीम रही वो थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है ना, इसको भी एक बार आप और देख लीजिएगा, ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, ठीक है, तो इसको किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 1979 में है ना, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था एक तरीके से इसमें ये था कि हम जो रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन के यूथ हैं बिटवीन एज 18 to 35 है ना, इसके अंतर्गत इनको टेक्निकल और बिजनेस एक्सपर्टीज जो है प्रोवाइड कराना। अगला देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था। ठीक है, तो वही रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए इसको 1980 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक, और बाद में अगर देखेंगे तो इन्हीं सब लाइन्स पे जो हमारा नरेगा एक्ट आया है 2005 का है ना, बाद में ये सब भी इनेक्ट किए गए, तो फिलहाल इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखिए, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो अभी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला प्रोग्राम चालू किया गया था 1980 में, तो उसको यहाँ पे मर्ज करके ये जवाहर रोजगार योजना एक स्टार्ट की गई थी अप्रैल 1, 1989 से है ना, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी पिछले ट्रेंड्स में ये देखा गया एग्जाम में स्पेशली UPSC में कि पुरानी स्कीम्स जितनी भी आई हैं या जितने भी एक्ट हैं उनको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन सब स्कीम्स को देखना जरूरी हो जाएगा, और उसके अलावा जो अभी 2014 जो नरेंद्र मोदी रिजाइम आया है तो इन इनमें जो है तमाम तरीके की नई नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, तो ये सब सारी तो इम्पोर्टेंट हैं ही, इसको भी देखें, और पुरानी वाली भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इसको भी आप कवर करते रहें। अगला देखें, रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एक यहाँ पर लॉन्च की गई थी 2 अक्टूबर 1993 को है ना, जितने भी बैकवर्ड ब्लॉक्स थे ब्लॉक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, वहाँ पे इसको चिन्हित करना था इस योजना में एक तरीके का, मान लीजिए इनिशिएटिव था इसका। अगला देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो ये स्कीम जो है पुरानी एक लॉन्च की गई थी इसको भी 2 अक्टूबर 1993 में। ठीक, उसमें क्या है जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली इसका कि जो शिक्षित बेरोजगार थे उनको स्वनियोजन उपलब्ध कराने के लिए एक तरीके से जो बैंक से लोन वगैरह ऋण उपलब्ध कराने की एक स्कीम थी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, और इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, नमस्कार, जय हिंद।